द्वारा स्काउट एवं गाइड के जिला शिक्षा अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र धुवे के निर्देशानुसार सेल्फ लर्निंग मॉड्यूलर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाट पिपलिया ब्लॉक बागली में कार्यक्रम का शुभारंभ जिला संघ देवास के अध्यक्ष मनोज जोशी के मुख्य आतिथ्य बीईओ बागली एनपी सिंह की अध्यक्षता में एवं जिला संघ के उपाध्यक्ष श्रीकांत माहेश्वरी कार्यकारिणी सदस्य कृपाल सिंह उदावत के विशेष आतिथ्य में किया गया। उप अवसर पर जिला मुख्यालय देवास से पधारे प्रशिक्षण बीएल मालवीय मनोज पटेल आरसी सोलंकी ने 80 शिक्षकों शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण निर्धारित एजेंडा अनुसार दिया। कौन से पद पर सर आप? मैं भारत स्काउट गाइड में जिला संगठक आयुक्त स्काउट के पद पर कर रहा हूँ। सर आज जो कार्यक्रम हाट पिपलिया में आयोजित किया गया, किस संबंध में आयोजित किया गया और क्या आपकी कार्य योजना? हाँ, ये जो कार्यक्रम है यहाँ से शुरुआत हुई बागली से, इसको लेवल का होगा, प्रत्येक ब्लॉक में होगा और प्रत्येक ब्लॉक के बाद फिर ये 6 महीने के बाद इनका बेसिक होता है, बेसिक स्काउट मास्टर, कम मास्टर, फ्लॉक लीडर, गाइड कैप्टन, फिर इसके बाद इनको उसके लिए प्रशिक्षित करना। सर आपका एक बार नाम बताएं। मैं मनोज पटेल, भारत स्काउट गाइड से जिला संगठक आयुक्त स्काउट के पद पर देवास में कार्यरत। अरे रात को एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये क्या मामला है? रात को मैं अपने घर पहुंचा था, तब अचानक मैंने बहुत शोर की आवाज़ सुनी। जब बाहर देखा तो पाया कि एक महिला के पीछे बहुत सारे लोग भागे जा रहे थे और आगे जो नगरपालिका का मैदान है वहां पर उस महिला को कुछ लोगों ने, का वातावरण पूरे क्षेत्र में चल रहा है कि बच्चा चोरी की सूचना है या बच्चा चोरी के लिए कुछ संदिग्ध लोग घूमते पाए जा रहे हैं, तो मुझे भी एक लगा एक पल के लिए कि हो सकता है ये महिला बच्चा चोरी करने के लिए यहाँ पर आई। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि इसको किसी भी प्रकार का मारपीट आप लोग ना करें और मैंने उसी समय कन्नौज थाने में और TI साहब दोनों को फ़ोन लगाया। 5-10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ गई और उस महिला को ले गई। उसके बाद पुलिस ने उस पर जो भी हो सकता होगा वो कार्रवाई की होगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।